तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रोहित मंत्रा में। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के विज्ञान के क्या क्लास टेंथ के विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 बोर्ड पेपर के लिए हल करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड पेपर में 100% डियर स्टूडेंट यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग यूपी बोर्ड का एग्जाम 2024 में देने वाले हैं तो आप इस वीडियो के एंड तक देख लेना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा आपके बोर्ड पेपर में 100% डियर स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड का जली विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड बताइए अम्लीय होता है, उदासीन होता है, कि क्षारीय होता है, कि उभय धर्मी होता है, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड पेपर में ये कई बार पूछा गया प्रश्न था। अगर आप लोगों को जो भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो सल्फर डाइऑक्साइड का जली विलयन होता है आपका अम्लीय होता है, क्या होता है, अम्लीय होता है आपका, का ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है, देखिए CaPO32, उसके बाद CaPO4, इसके बाद CA3PO42, यानी या तो इसको या इसका बताइए, CaPO42, उसके बाद CaP2O4, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है आपका खा, क्या हो जाएगा, खा ऑप्शन इज द राइट, यानी या तो आप CaPO4 कहीं पर आपको देखने को मिल सकता है, या तो आपको CA3PO42 देखने को मिल सकता है, आप दोनों में से कोई भी मिल सकता है आपको, या आपका कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है, बताइए एनोडिंग कैटिनेशन, देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर है बे सेमरीकरण, इनमें से कोई नहीं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना क्या कहलाता है, तो आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फटाफट बताइए, जिनको आ रहा होगा कमेंट करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनोडिंग। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, इनोडिंग कहलाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, देखिए प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, इसको तो आप याद करके जाइएगा क्योंकि कई बार आपके बोर्ड पेपर में आया है, और यहाँ से आपके बोर्ड पेपर में 100% दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने नंबर का आने वाले हैं आपके, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको ध्यान रखिएगा, तो आपके इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड पेपर में बनेंगे, ध्यान रखिएगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, CH4, इसको C4H10, C3H8, C2H6, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा आपका C3H8, इसको ध्यान रखिएगा, आपका गा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, देखिए एल्काइन का सूत्र है C3H4, C2H6, C3H6, C6H6, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एल्काइन का सूत्र, आप लोग बताइए, जिनको आ रहा होगा कमेंट करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C3H4 है, इसको ध्यान रखिए, का ऑप्शन इज द राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बोर्ड पेपर के लिए, ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर दिया गया है C2H6 का IUPAC नाम बताइए, मेथेन होता है, कि एथाइन होता है, कि एथेन होता है, कि एथिलीन होता है, तो आप क्या बताएंगे C2H6 का IUPAC नाम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C2H6 क्या है आपका, आपका एथेन हो जाएगा, IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा इसका अगर आंसर आ रहा होगा तो, मोमबत्ती का जलना क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, भौतिक परिवर्तन है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, तो आप बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो मोमबत्ती का जलना क्या है, तो आप क्या बताएंगे, ये आपका हो जाएगा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्या हो जाएगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। चलिए डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में अम्लीय ऑक्साइड है, Al2O3, MgO, K2O, उसको P2O5, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइएगा, जिनको आ रहा होगा वो कमेंट करेंगे, अम्लीय ऑक्साइड क्या है इसमें, तो आप क्या बताएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका P2O5, आपका घा ऑप्शन इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा,
जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ आपके बोर्ड पेपर की दृष्टि से, या इसको ध्यान रखिएगा। आप लोग अगर नोट्स बनाते रहेंगे, इसको याद करते रहेंगे, तो आप लोग 100% डियर स्टूडेंट बोर्ड पेपर में आप 90+ आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र है MO2 MO3 MO M2 MO। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MO, क्या हो जाएगा MO हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सरलता से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता। अब बताइए इसमें ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, बताइए निम्न में से कौन सा तत्व सरलता से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता, NA, FA की MG की AL, फटाफट बताइए। देखिए जो NM है ये आपका सोडियम है, MG आपका मैग्नीशियम है, यहाँ पर देखिए AL एल्यूमिनियम। अब देखिए यहाँ पे F क्या आपका, आपका हो जाएगा आयरन, आपका खा ऑप्शन इज द राइट। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर हो जाएगा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी। तो आपको मालूम है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो आप बताएंगे सभी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी जरूरत पड़ता है, जल का भी, और यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल का भी जरूरत पड़ता है, और सूर्य का प्रकाश भी जरूरत पड़ता है, यानी आपका घा ऑप्शन इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था, मटर, गुड़हल, चना, राइजोफस। तो आप बताएंगे मटर पर, किस पे, मटर पे किए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आपके बायोलॉजिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है युग्म विकल्पी या येली लो मार्क निर्धारक समरूप। तो आप बताएंगे क्या, तेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइएगा आप लोग, इसमें हो जाएगा युग्म विकल्पी या येली लो मार्क, इसका हो जाएगा का ऑप्शन इज द राइट। तो डियर स्टूडेंट आपका अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए 14वां क्वेश्चन है, फटाफट बताइएगा, जिनको आ रहा होगा कमेंट करेंगे। डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है प्राकृतिक वरण से, प्रसंस्करण से, उसके बाद उत्परिवर्तन से, उपार्जित लक्षण से। तो आप तो क्या बताएंगे, डार्विन के अनुसार प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, तो आप क्या बताएंगे, प्राकृतिक वरण से, कैसे होती है, प्राकृतिक वरण से होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 15वां, समतल दर्पण की फोकस दूरी है 0, 25 सेंटीमीटर, अनंत, -25 सेंटीमीटर। तो आप क्या बताएंगे, समतल दर्पण की जो आपकी फोकस दूरी है वो क्या है, तो आप बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 15वें का, आप बताएंगे अनंत है, क्या है डियर स्टूडेंट, अनंत है, और आपके बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा 2024 के लिए। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 16वां, दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R के बीच संबंध है F = R, 2F = R, F = 1/R, F = 2R। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण की जो फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R है और फोकस दूरी F है, तो इसके बीच संबंध क्या हो जाएगा आपका 16वें का, तो आप बताएंगे 2F / यहाँ पर देखिए 2F = R हो जाएगा, यानी खा ऑप्शन इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे दर्पण के बारे में बताया, क्या संबंध था वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर देखिए सवाल आ गया है, ये आपके बोर्ड पेपर में इस तरह का क्वेश्चन 2 नंबर का बनेगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे, अब देखिए वक्रता त्रिज्या जो आपको दिया गया 30 सेंटीमीटर, जो आपको आर दिया गया है वो आपका 30 सेंटीमीटर है, हमको पूछा फोकस, यानी कि हमको यह आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे सूत्र कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, आप लगा देंगे 2F = R, तो हमको मिल जाएगा 2F = R कितना, 30 सेंटीमीटर, तो F आपको ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा आपका F = 30/2, यानी आप काट देंगे तो आ जाएगा 15, तो 15 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, खा ऑप्शन इज द राइट। इस तरह आपको लगाना है बोर्ड पेपर में, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है जल में, हीरे में, कांच में, तारपीन के तेल में, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो आप बताएंगे हीरे में,
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे, रेटिना से आगे, रेटिना के पीछे कहीं नहीं। तो आप बताए क्या बताएंगे, जो दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है कि रेटिना के पीछे बनता है कि रेटिना से आगे कि कहीं नहीं। तो आप क्या बताएंगे 19वें का, तो आप बता देंगे रेटिना के पीछे बनता है, गाफन इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपका 20वां क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है वो किसमें होता है। तो आप बताएंगे बैंगनी रंग के लिए, किसमें होता है बैंगनी रंग के लिए होता, और आपके बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा बैंगनी रंग के लिए हो जाएगा, बैंगनी रंग के लिए हो जाएगा, कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा अधिकतम किसमें होता है बैंगनी रंग में, ध्यान रखिएगा। तो डियर स्टूडेंट आज के इस वीडियो में लगभग हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को हल किया है, जो कि आपके बोर्ड पेपर के लिए सारे के सारे क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है। आप तैयार कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल पर सभी विषय का अच्छे से तैयारी कराया जा रहा है, आप लोग यहाँ से जुड़कर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।